गाइस व्हाट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखिए क्या होता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, फिर हम नीट और जेडब्ल्यू में कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से पूछ सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। देखिए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स, केवल दो इलेक्ट्रॉन ही कैन एग्जिस्ट कर सकते हैं इन वन ऑर्बिटल, कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकते, दो से ज्यादा नहीं, कम एक एग्जिस्ट कर सकता है बिल्कुल, पर दो से ज्यादा यानी तीन इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, चार नहीं कर सकते एंड सो ऑन, ओनली मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते और वो भी विद अपोजिट स्पिन, जिनकी जो स्पिन होगी मतलब जब वो घूम रहे होंगे ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ऐसे अपनी जगह पे, या तो क्लॉकवाइज होगी एक की तो दूसरे की क्या होगी भाई एंटी क्लॉकवाइज, एक अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो दूसरा घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब देखिए मैंने बोला 3p सबसेल, मेरे पास 3p सबसेल है, ठीक है, हमें पता है कि 3p के अंदर तीन ऑर्बिटल होते हैं 3p सबसेल में, या मैं कह दूं p सबसेल हो आपके पास कोई भी, जनरली हमारी पीरियोडिक टेबल जिसमें 1 से 118 एलिमेंट है, चार प्रकार की सबसेल होती है s p d और f, इनमें से जो p सबसेल होती है चाहे उसका n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कुछ भी हो, चाहे वो 1p हो 2p हो 3p हो या 4p हो या 5p हो या 6p हो या 7p हो, इस सबसेल के अंदर तीन ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। अब इस एक ऑर्बिटल में मैंने बोला केवल अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये पहला इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, और वो भी अपोजिट स्पिन के साथ, मान लो एक क्लॉकवाइज घूम रहा है इसको मान लिया मैंने, तो दूसरा इससे अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एक इस डायरेक्शन में आएगा, समझ रहे हो, तो एग्जिस्ट करेंगे। दिस इज व्हाट पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आगे सुनिए, अब बात आती है आप लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे। मैंने बोला मेरे पास एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यह आ गया एक इलेक्ट्रॉन, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा उसकी स्पिन क्या होगी अपोजिट। अब मान लो आपने ये कर दिया, एक ऑर्बिटल लिया इसमें आपने दो इलेक्ट्रॉनों को ऐसे दिखा दिया, बताइए क्या ये सही है, और आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे इस ऑर्बिटल को देख के बताइए इसमें कौन सा रूल वायलेट हो रहा है, किस रूल का उल्लंघन हो रहा है यहां पे, दैट इज व्हाट सेम स्पिन के साथ नहीं होने चाहिए, अपोजिट स्पिन के साथ होने चाहिए, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये वाला गलत है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट हो गया है, इसमें स्पिन दोनों सेम, ये भी गलत, ये वाला सही हो, ठीक है। अच्छा अब मैं बात करता हूं 3p सबसेल में, अगर मैं भाई इलेक्ट्रॉन फिल करने लग जाऊं तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते समय हमें पहले ऑर्बिटल के नंबर देखने हैं, सबसेल में कितने ऑर्बिटल है, तीन, तो हुन्स रूल से पहले, सॉरी पॉली एक्सक्लूजन से पहले हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लगता है, कैसे भाई, पहले हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा ऐसे, अब पेयरिंग होगी, और जब पेयरिंग की बात हो तभी आप पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, पी फॉर पॉली पी फॉर पेयरिंग, पेयरिंग के टाइम जब पेयरिंग करने जा रहे होंगे तो अपोजिट स्पिन के साथ। अब एक बात ध्यान देना, जरूरी नहीं कि आप इसकी पेयरिंग करवाए, चाहे पेयरिंग इसकी करवा दो कोई दिक्कत नहीं, अब इसकी पेयरिंग करवा दो, अब मान लो ऐसा सीन हो तो क्या ये गलत है, नहीं, कोई भी रूल वायलेट नहीं हो रहा इस कंडीशन में, ध्यान रखना कि तीनों ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी में, चाहे इलेक्ट्रॉन कैसे फिल कर दो, फॉर एग्जांपल देखो मैंने तीन ऑर्बिटल लिए एक इलेक्ट्रॉन यहां फिल कर दिया, सही है भाई, गलत नहीं है ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन मैंने अपोजिट स्पिन के साथ यहां फिल कर दिया, ये भी गलत नहीं है, नोट इट वेरी केयरफुली, ठीक है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे। अब मैं पेयरिंग करवा रहा हूं, अगर मैंने ऐसे फिल कर दिया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा, स्पिन मस्ट बी अपोजिट, ये अब सही है, इसको ये सही है, इसके साथ ये सही है, दिस इज फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो आपकी जो दो रूल्स हैं
हुंसुलोक मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आपको देखना पड़ेगा और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखना पड़ेगा। ठीक, अब ये बताओ मेरे पास ये एक ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल मान लो, मैंने एक इलेक्ट्रॉन भरा, दूसरा भर दिया, तीसरा भर दिया, तो क्या तीन इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? नहीं, पहले गलत हो गया ये। हाँ भाई, इसकी ऐसे कर लेते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ये तो अपोजिट है ना। नहीं, तीन इलेक्ट्रॉन ही नहीं आ सकते एक ऑर्बिटल में, गलत हो गया भाई। दो इलेक्ट्रॉन वो भी अपोजिट स्पिन के साथ, अब ये सही है। अब मैंने बोला मेरे पास ये है 3p सबसेल है, क्या अभी 3p सबसेल। अब आपको 3p सबसेल में इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो एक सबसेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको क्वांटम नंबर्स देते हैं। चार क्वांटम नंबर हैं जो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन कहां एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए यहां पे मैंने बोला 3p सबसेल है, तो सबसे पहला n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि हमें यह बताता है यह सबसेल कौन से ऑर्बिट में होगी। और सिंपल सा तरीका, जो भी p के आगे लगा हुआ है नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू, यही होती है क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या हो जाएगा भाई 3। दूसरा क्वांटम नंबर है l, l से शो करते हैं इसको, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब p सबसेल के लिए l की वैल्यू फिक्स है, कितनी होती है भाई 1, कितनी होती है 1। अब जो ये p सबसेल है इसके लिए l की वैल्यू क्या है 1। तीसरा क्वांटम नंबर होता है ml, से लिखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है माइनस एल टू प्लस एल, मतलब माइनस वन टू प्लस वन, क्या मतलब है भाई, माइनस वन कोमा माइनस वन के बाद जीरो फिर प्लस वन, ये तीन वैल्यूज होती है ml मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की p सबसेल के लिए। यानी कि अगर ये जो आपके ऑर्बिटल है, यानी कि तीन ऑर्बिटल्स की तीन वैल्यू, तीन ऑर्बिटल होते हैं इसका मतलब, अगर मैं ml को देखूं वैल्यूज तीन है, तीन प्रकार के नंबर है, तो मतलब ऑर्बिटल कितने हो गए तीन, एक दो और तीन। अब मान लो ये तीन ऑर्बिटल है एक दो और तीन, इसके लिए वैल्यू माइनस वन है, इसके लिए जीरो है, इसके लिए प्लस वन, तो ये होगी ml की वैल्यू, समझ पा रहे हैं आप। अब 3p सबसेल के लिए ml की वैल्यू माइनस वन इस वाले ऑर्बिट के लिए, इस वाले ऑर्बिटल के जीरो, इसके लिए वन, समझ पाया, ठीक है। अब इन दोनों के, इन ऑर्बिटल्स में क्या आएंगे इलेक्ट्रॉन, जिनकी क्या होगी स्पिन, जो घूमेंगे, जिसे हम बताएंगे स्पिन क्वांटम नंबर। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम रहे हैं, तो मैंने इसको वैल्यू दे दी प्लस वन बाई टू, मान लो भाई एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसके लिए मैंने स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू बता दी प्लस वन बाई टू। तो ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी माइनस वन बाई टू, क्या होगी भाई माइनस वन बाई टू, यानी एक प्लस डायरेक्शन एक माइनस, सिंपल। अब आ जाओ यहां पे, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन फिल किया, ठीक है, हुंसुर लगाना पड़ेगा मुझे अगर एक से ज्यादा ऑर्बिटल है तो, एक एक भर दिया। अब जब पेयरिंग करवाऊंगा वहां पे देखूंगा मैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को, देखा मैंने क्या किया भाई, पेयरिंग करवा दी, ये लो अपोजिट स्पिन के साथ पेयरिंग करवाऊंगा, इसमें मैंने सेम डायरेक्शन में भर दिया, तो ये तो पता चल गया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वैलिड हो गया, ठीक है। अब आप इस बात को बताएंगे अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर्स, ये क्या मतलब, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को आप क्वांटम नंबर के हिसाब से बता सकते हैं, सिंपल, क्या कहते हैं, चार क्वांटम नंबर हैं आपके, दो इलेक्ट्रॉन जो एक ऑर्बिटल में हैं, या आप कह सकते हैं एक सबसेल के जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक सबसेल के जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, नोट कर लेना भाई, एक सबसेल के जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू उनके लिए सेम नहीं होगी। चार क्वांटम नंबर इस सबसेल के किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए सेम नहीं होंगे, कैसे देखो, अगर सेम हो जाते हैं तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वॉयलेट हो जाएगा। हाउ, फॉर एग्जांपल स्पिन क्वांटम नंबर की बात करते हैं, इसके लिए प्लस वन बाई टू, इस वाले के लिए माइनस वन बाई टू, इसके लिए मान लो प्लस वन बाई टू माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू सेम डायरेक्शन में, इसके लिए प्लस वन बाई टू होगा, हो गया ना प्रिंसिपल कौन, सॉरी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वॉयलेट हो गया, उल्लंघन हो गया इस रूल का भाई, टूट गया ये रूल,
पर ऐसा हो ही नहीं सकता, ये रूल टूटेगा नहीं। तो इसकी स्पिन क्या होगी? अपोजिट। ठीक है, अब आपने बोल दिया क्यों नहीं हो सकते, प्लस वन बाई टू, प्लस वन बाई टू इसकी स्पिन है, इसकी क्या हो जाएगी भी? इस वाले इलेक्ट्रॉन की माइनस वन बाई टू, देख लो प्लस वन बाई टू इसकी है, इसकी भी प्लस वन बाई टू, इसकी माइनस वन बाई टू इसकी। ठीक, मैंने बोला चारों क्वांटम नंबर की सेम नहीं होगी। आ जा, इस ऑर्बिटल के लिए एन की वैल्यू तीन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करते हैं, ये पूरी सबसेल 3p है, तो इस ऑर्बिटल के लिए भी एन की वैल्यू तीन, इसके लिए भी तीन और इसके लिए भी तीन, डन। बात करते हैं एल, एल की वैल्यू इसके लिए भी वन, इसके लिए भी वन, इसके लिए भी वन, क्योंकि p सबसेल के लिए वन होती है। ठीक, अब आ गया ml के लिए इस ऑर्बिटल की वैल्यू क्या है? माइनस वन। इस ऑर्बिटल की क्या है? जीरो। और इस ऑर्बिटल क्या है? प्लस वन। अब ये बताओ, क्या ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल ml से मैच करता है? बोलो, तीनों के लिए ml की वैल्यू क्या है? अलग अलग तो हो गए ना डिफरेंशिएट तीनों, चार क्वांटम, चारों में से एक क्वांटम नंबर पक्का ऐसा मिलेगा जिनकी वैल्यू सेम नहीं होगी। यही बात बताता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है और यही कंसेप्ट है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। देख लो, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए एमएल की वैल्यू क्या है? माइनस वन। इन दोनों के लिए क्या है? जीरो। इन दोनों के लिए क्या है? वन। क्या ये छह, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये वाले सेपरेट हो गए बिल्कुल? अब इन दोनों को अलग करते हैं, बताओ इस वाले के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है? प्लस वन बाई टू, और इस वाले के लिए क्या है? माइनस वन बाई टू। हो गया, चारों क्वांटम नंबर सेम है? नहीं है, वो अलग बात है कि स्पिन क्वांटम नंबर इसका इसका सेम हो जाएगा, पर ml मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा इन दोनों ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉनों का। इन इन दोनों के लिए है माइनस वन और इन दोनों के लिए है जीरो। यही कहता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ऐसे ही आप लोग डी सब सेल के लिए, डी सब, देखो एस सब सेल में होते हैं एक, होता है एक ऑर्बिटल, डी सब सेल में होता है, होते हैं भाई पांच ऑर्बिटल, एक दो तीन चार पांच। एफ सब सेल में होते हैं ऐसे सात ऑर्बिटल, छोटे बना दिए तीन तीन छह और सात। ठीक है, एक इलेक्ट इस सब सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं या आएंगे, चारों क्वांटम नंबर्स सेम नहीं होंगे, चारों एक साथ कह रहा हूं मैं, क्या पता एन सेम हो जाए ठीक है चलेगा, एल भी सेम हो जाए चलेगा, एमएल में अंतर आ जाएगा, एमएल में अंतर नहीं आ रहा किसी ऑर्बिटल के लिए। देखो ऑर्बिटल्स तो सेपरेट हो जाएंगे एमएल से, और इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाएंगे स्पिन क्वांटम नंबर। समझ पाए आप? होप सो गाइस आपको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझ में आ गया है। तो आप लोग इस तरीके से देखिए, जब आप बोर्ड एग्जाम में लिखे या आपका कोई भी यूनिट टेस्ट है, वहां पे आप लिखेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, डिफाइन कर देंगे, दैट्स ऑल। और एक और लाइन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, फॉर एनी इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन सबसेल इन द ऑर्बिटल्स फोर क्वांटम नंबर्स टुगेदर विल नॉट बी सेम। फोर क्वांटम नंबर्स एक पार्टिकुलर सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं होंगे। ठीक है, समाप्त। तो होप्स आपको प्रिंसिपल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझ में आया है। अब भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है इसको समझने में, और एनी टाइप ऑफ क्यूरी यू हैव, यू कैन आस्क। अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।